हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड टू सी यू ऑल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले इस रिपोर्ट को जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी रिसेंटली रिलीज किए, कल ही इनफैक्ट, मोरबी ब्रिज पे। तो आपको पता होगा गुजरात में एक मोरबी ब्रिज था जो लास्ट ईयर अक्टूबर 30 को कोलैप्स हुआ था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, 141 पीपल हैड डाइड इन दिस पर्टिकुलर कोलैप्स ऑफ दिस मोरबी ब्रिज। सो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर इशू के बारे में कि एसआईटी की क्या रिपोर्ट आई है इसमें। सो दी गुजरात हाई कोर्ट एड यू कुड से एक्चुअली आज्ड अ 5 मेंबर एसआईटी, ठीक है, एक 5 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी उन्होंने। तो वो अपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ आए, मतलब उसने फाइनल रिपोर्ट नहीं सबमिट किए, बट उनका प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है वो क्या बोल रहा है ये डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ठीक है, कि व्हाट डज द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से, वी गोना डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, गुड इवनिंग आईएस, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। सो आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोरबी ब्रिज कोलैप्स ऑल्सो, आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वॉज इट, वो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। सो वील डिस्कस दैट पार्ट एंड वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज टू वॉट इज द इशू, वॉट आर द इशूज दैट आर इन्वॉल्व हियर। हाँ, गुजरात में, गुजरात में जगह मोरबी, मोरबी इज अ प्लेस इन गुजरात ओनली। सो द इंसिडेंट इट हैपेंड ऑन अक्टूबर 30, 2022। उसके बाद में एक एसआईटी बिठाई गई थी जिसने अभी कल ही, येस्टरडे ओनली, ऑन फेब्रुअरी 19, दे हैव गिवन अस अ रिपोर्ट, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है फेब्रुअरी 19 को ही। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस देन, है ना। आई थिंक यू नो पीपल हैव ज्वाइंड विद अस नाउ, सो लेट्स क्विकली बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली टेल यू गाइस दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक ऑन अकेडमी फ्रॉम 28 फेब्रुअरी इन द लॉ कैटेगरी एज वेल। लॉ एंट्रेंस कैटेगरी में भी देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक, सो सिक्योर योर सब्सक्रिप्शन बिफोर दैट, ठीक है, फॉर क्लैट 24 एंड यू कुड से दो टू काइंड सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक एंड प्लस, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। प्लस में आपको एक्सेस मिलेगा सारी अनअकैडमी की क्लासेस का, ठीक है, और आइकॉनिक अगर आप लेते हो तो आइकॉनिक में आपको एक्सेस मिलेगा सारी अनअकैडमी की क्लासेस का, प्लस यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू द फिजिकल मटेरियल जो अनअकैडमी आपके घर पे अपनी बुक्स वगैरह भेज देगा, एंड विल ऑल्सो गेट अ मेंटर हु वुड कीप गाइडिंग यू रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम। सो ये तीन टाइप, ये दो टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के पास, तो आप ये दो में से कोई भी चूज कर सकते हो। और आप ये नीचे कोड देख सकते हो येलो लाइन पर, मालपानी, दैट इज द कोड दैट यू कैन यूज टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो राइट नाउ आपको स्ट्रेट 20% डिस्काउंट मिलेगा, और ये प्राइस हाइक के बाद जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो 40% हो जाएगा, ठीक है, 40% हो जाएगा आफ्टर द प्राइस हाइक, एक तरह से जो अभी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो इट्स बेटर टू टेक योर डिस्काउंट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे विदाउट वेटिंग फॉर एनी बडी हियर। एंड दिस इज अ बैच दैट वी हैव रिसेंटली ज्वाइंट, मैं पे 8 PM से अभी क्लास शुरू करूंगा स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी गो डू क्लास ऑन स्टैटिक जीके इन दिस पर्टिकुलर सेशन, आप लोग डेफिनेटली इसका पार्ट बनो, राइट। मालपानी इज अगेन द कोड, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लो। उसके बाद में जरा लॉट ऑफ बैचेस फॉर क्लैट एंड डेलेट ऑल्सो कमिंग अप एंड ऑलरेडी गोइंग ऑन, जो रिसेंटली स्टार्ट हुए उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आई टेक अ क्लास ऑन करंट अफेयर्स एट 5 PM एवरी सिंगल डे इन प्लस आइकॉनिक एज वेल, यू गैस कैन बिकम अ पार्ट, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हम लोग रोज 5 PM पर क्लास करते हैं, है ना, टुडे ऑल्सो वी डिड द सेम, तो आप लोग उस क्लास का पार्ट बन सकते हो। एंड दिस इज दी लिस्ट ऑफ टॉपर्स ऑफ एन अकेडमी जो क्लैट 2023 हु क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स, एक तरह से बोल सकते हो कि ऑल ऑफ देम आर इन टॉप 5 NLUs एंड यू गैस कैन ऑल्सो गेट योर नेम रजिस्टर्ड, ठीक है। ऑल ऑफ दीज वर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन एन अकेडमी, तो आप लोग भी डेफिनेटली लिस्ट का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मोरबी ब्रिज कोलैप्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो अभी रिपोर्ट ने बताया क्या बोला है, तो आपको पता है ना मोरबी ब्रिज किस टाइप का ब्रिज था, वो एक केबल वाला ब्रिज था। तो मैं आपको पहले समझा दूं केबल वाला ब्रिज कैसे हो रहा है, लेट मी हेल्प यू एक्सप्लेन दैट। ये देखो, ये ब्रिज था, अगर इसका मतलब एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इस टाइप का वो ब्रिज था, केबल वाला ब्रिज होता है ये, ठीक है, केबल से जुड़े हुए ब्रिज होते हैं। अगर आप कभी ऋषिकेश गए हो तो आपने वो लक्ष्मण झूला और राम झूला देखा होगा ना। इफ यू हैव एवर बीन टू ऋषिकेश तो वहां पे बहुत फेमस है लक्ष्मण झूला और राम झूला है। तो ये भी क्या सस्पेंशन ब्रिजेस है, दीज आर ऑल सस्पेंशन ब्रिजेस।
अलग टाइप के ब्रिजेस होते हैं, ये वैसे वाले ब्रिज नहीं है, हाँ हैंगिंग ब्रिज होते हैं ये, ठीक है, ये मतलब उस तरह से चलते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ ये टावर्स बने हुए होते हैं और इन टावर्स पर कुछ मेन चीज लगी हुई होती है, एक बड़ा सा तार ऐसे जाता है और बीच में बहुत सारे केबल्स लगे हुए होते हैं, दैट इज हाउ इट इज मेड। मैं आपको पहले सस्पेंशन ब्रिज समझा देता हूँ क्या होता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ ब्रिज इन विच द डेक इज हंग बिलो द सस्पेंशन केबल्स ऑन द वर्टिकल सस्पेंडर्स। आप अगर कोई भी एक नॉर्मल ब्रिज देखोगे इंडिया में तो उसमें क्या होता है, ब्रिज को नीचे से सपोर्ट किया जाता है ना, नीचे से उसको मतलब उसमें कुछ कुछ लगाए जाते हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं, जो भी लगाया जाता है उसको नीचे से सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये वाला जो ब्रिज है ना, ये जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, ये ऊपर से लटके हुए ब्रिज होते हैं, मतलब इनको ऊपर से पकड़ा जाता है किसी चीज से, ठीक है, दैट इज हाउ दीज ब्रिजेस आर मेड। सो द बेसिक स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड स्टिफनिंग गर्डर्स, टू और मोर सस्पेंशन केबल्स, टावर्स एंड एंकोराजेस ऑफ आवर केबल्स एट द एंड ऑफ ईदर ऑफ द ब्रिजेस। तो मतलब आपको इतना डीपली डिस्कस नहीं करना, यू डोंट हैव टू नोट दीज थिंग्स डाउन, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सस्पेंशन ब्रिज कैसा लगता है, इट लुक्स लाइक दिस। आई थिंक सबने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आप यहां से करोगे ना, जैसे देखो ये वाला जो ब्रिज है, ये एक लंबी सी यहाँ पे लाइन जाती है और ये दोनों तरफ होता है, जैसे ब्रिज ऑब्वियसली यार ये तो आपको वन साइडेड दिख रहा है, अगर ब्रिज ऐसा होता है ना, ऐसे दिखाते हैं, तो उसमें दोनों ना यहां से बड़े सस्पेंशन वो जाते रहते हैं ऐसे करके ऊपर से, ठीक है, ऐसे ऊपर से जाते रहते हैं, और फिर उसके बाद में एक तरह से यहां पर वो होता है, क्या कहते हैं, देर इज दीज काइंड ऑफ, एक तरह से इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन वो बैलेंस करते हैं उसको, केबल टाइप के होते हैं, मोटे मोटे केबल्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं ब्रिज को कि वहां पर कितने लोग आ सकते हैं, राइट। तो यहां पर द मेन केबल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द टावर्स एंड आर कनेक्टेड टू द एंकरेज और द ब्रिज इटसेल्फ, ठीक है, या तो वो ब्रिज की उससे कनेक्टेड होते हैं या फिर वो मतलब ब्रिज से ही कनेक्टेड होते हैं, पूरे ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, उनका अलग अलग तरीका है, राइट। तो अभी पता है क्या चल रहा है, अभी इस रिपोर्ट ने बताया कि नियरली हाफ ऑफ द वायर्स ऑन वन ऑफ द टू मेन केबल्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इन गुजरात मोरबी वर कोरोडेड, मतलब वो वायर्स खराब वायर्स थे, ठीक है, वो खराब वायर्स थे, तो उसमें टोटली ऐसे जो सिंगल 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 वायर्स होते हैं ना, देर वर 49 वायर्स इन टोटल, ठीक है, टोटल 49 वायर्स थे, उसमें से 22 वायर्स खराब थे, देवर कोरोडेड। तो अभी एसआईटी का जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला रिपोर्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि देवर कोरोडेड यू कुड से सस्पेंशन उससे, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रिज था, इट वॉज मेड ओवर दिस रिवर कॉल्ड दी माछू रिवर, मैं आपको भी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। इट लेड टू डेथ ऑफ अराउंड 141 पीपल, एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज कि ये ना हमारी प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का ब्रिज है, मतलब ये प्रिंसली स्टेट है, मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी, तो उस टाइम का ब्रिज है, तो ऑब्वियसली बहुत पुराना ब्रिज है, लेकिन इसका रेनोवेशन करवाया गया था, ठीक है, दिस ब्रिज वॉज रेनोवेटेड। तो वो रेनोवेशन इस ब्रिज का जब करवाया गया तो उसको रेनोवेशन के बाद में सिर्फ 4 दिन हुए थे खुले हुए, ओनली 4 डेज, और 4 दिन के अंदर अंदर वो गिर गया, 7 मंथ्स का रिनोवेशन चला था यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रिज वॉज बींग रेनोवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, वो बंद था 7 महीने से और 4 दिन बाद वो गिर गया। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम है इसमें और क्या क्या कई सारे मुझे कुछ से अजीब अजीब बातें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो नवंबर 15 को गुजरात हाई कोर्ट हैड आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन, अब ये जो पर्टिकुलर ब्रिज था ना, इसका रेनोवेशन किया था एक कंपनी ने जिसका नाम था ओरेवा ग्रुप, ओरेवा ग्रुप ने इसका रेनोवेशन किया था। तो आप बताओ कि अगर कोई कंपनी रेनोवेशन करेगी ऐसे ब्रिज का, तो वो कंपनी क्या करती है जनरली, वो कंपनी कंस्ट्रक्शन में होती है ना, जनरली कंस्ट्रक्ट करती है रोड्स वगैरह या फिर ऐसे ब्रिजेस वगैरह, इन चीजों में हो सकती है वो कंपनी, और तो कोई सेक्टर में नहीं हो सकती, राइट। लेकिन ये जो ओरेवा ग्रुप था ना, ये पता है क्या करते हैं, इनका एक्चुअल काम क्या है, ये क्लॉक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ये क्लॉक घड़ियां इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वहां पर सरकार ने क्या किया, कोई टेंडर ही फ्लोट नहीं किया, मतलब उन्होंने बिड्स ही नहीं मंगवाए, उन्होंने बस इस कंपनी को दे दिया, ओरेवा ग्रुप को दे दिया कि आप कर लो इसको, ठीक। तो ये तो कितनी अजीब बात है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि व्हाई वॉज दिस गिवन टू देम, ठीक
हाँ, ये मोरबी ब्रिज का रेनोवेशन कर रहे थे. दिस ओरेवा ग्रुप वॉज द कंपनी दैट वॉज रेनोवेटिंग इट. तो इसी मैटर पर एक पीआईएल फाइल हुई थी, तो अभी उसको वहां पर गुजरात हाईकोर्ट सुन रहा है. गुजरात हाईकोर्ट इज हियरिंग दिस मैटर मोरबी वाला. ठीक है, तो ओरेवा ग्रुप एक तरह से घड़ी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने का काम है उनका, एंड दे ऑल्सो रेनोवेटेड दिस पर्टिकुलर ब्रिज. तो ये भी एक बहुत बड़ा रेवलेशन सामने आया कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, कैसे ये ब्रिज मतलब कैसे ये कंपनी है बना सकती है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल. तो रिसेंटली ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था माचू रिवर पे है ना, इसमें 141 लोग मर गए थे. तो इस ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, झूलता पुल, हिंदी में इट्स कॉल्ड द झूलता पुल. तो ये लिख लो, इसको प्रिंसली स्टेट ऑफ मोरबी में बनवाया था सर वागजी ठाकुर 1877 में. ठीक है, सर वागजी ठाकुर ने 1877 में इसको बनाया था. ठीक है, द सस्पेंशन ब्रिज वॉज क्रिएटेड और यू कुड से मेड इन 1877 बाय सर वागजी ठाकुर. ओके, तो ये मोरबी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया में. वो टाइल्स वगैरह बनती है ना, जो सिरामिक की टाइल्स वगैरह बनती है, इंडिया की 70% टाइल्स मोरबी में बनती है. ठीक है, 70% ऑफ इंडिया टाइल्स आर मेड इन मोरबी. और सबके घर में कहीं ना कहीं टाइल लगी हुई होगी, आप लोगों की भी है ना, कहीं ना कहीं तो होती है सबके घर में आजकल टाइल्स. सो इट वॉज मेड टू रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेसिव एंड साइंटिफिक नेचर ऑफ रूलर्स ऑफ मोरबी, कि भाई वो कितने ज्यादा मतलब प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक है, उसको दर्शाने के लिए उसको बनाया था और उसको इनॉग्रेट किया था. तो आप ना, अभी तो गुजरात है वो, पहले गुजरात और महाराष्ट्र वॉज कॉल्ड द स्टेट ऑफ बॉम्बे. ठीक है, पूरा स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, गुजरात अलग से नहीं हुआ करता था. ठीक है, इट वॉज एंटायरली द स्टेट ऑफ बॉम्बे. तो वहां के उस टाइम जो गवर्नर थे बॉम्बे के, रिचर्ड टेम्पल, ठीक है, मंदिर का नाम नहीं आदमी का नाम है, रिचर्ड टेम्पल ने इसको 1879 में प्रॉपरली इनॉग्रेट किया था. तो 1877 में इसको बनाया गया था और 1879 में इट वॉज फाइनली इनॉग्रेटेड फॉर पीपल टू यू कुड से यूज इट. ठीक है, सो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द देन बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पल इन 1879. क्लियर है गाइस ये? ओके, तो ये जो पर्टिकुलर रिवर है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. तो जो ब्रिज था ना, ये माचू रिवर पर सिचुएटेड है. ठीक है, MACHCHU माचू रिवर पर लोकेटेड है ये. सो दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड माडला हिल्स इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. ठीक है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से ये ओरिजिनेट होती है रिवर, और 141.75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है टू द रन ऑफ कच्छ. ठीक है, रन ऑफ कच्छ तक जाती है ये. ओके, तो इसके ये कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज इस रिवर की, बेटी, असोई, जामबूरी, बेनिया, मछोरी, महा, ये सारी की सारी इस पर्टिकुलर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है. जो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है उस रिवर में से निकलने वाली दूसरी रिवर्स. ठीक है, इट हैज टू डैम्स टू ऑगमेंट इरिगेशन एंड एलिवेट ड्रॉट्स इन सौराष्ट्र. सौराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है ना कई बार, तो माछू रिवर इज बेसिकली दी सोर्स ऑफ वाटर फॉर दैट पर्टिकुलर, टू सॉल्व दैट इशू, उस ड्रॉट को सॉर्ट करने के लिए माछू रिवर इज दी रिवर जिससे जिसमें डैम बना रखे हैं और यहां से पानी लिया जाता है. अब मोरबी में ये हुआ था, तो वाई इज मोरबी सो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना कि सेरामिक इंडस्ट्री के लिए लीडर है इंडिया का. तो 70% ऑफ इंडिया सेरामिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन मोरबी एंड सेरामिक टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड हियर एक्सपोर्टेड टू मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मतलब दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह मोरबी की टाइल्स जाती हैं. तो यहाँ पर बहुत बड़ा सेरामिक इंडस्ट्री है, मतलब बहुत बड़ा काम है यहाँ पे इन चीजों का.
ठीक है, देखो ह्यूज सिनेमिक इंडस्ट्री इन मोरबी। हाँ राइट, स्टैचूज, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिरामिक का तो बहुत बड़ा काम होता है ना, सिरामिक इज नॉट जस्ट टाइल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो सिरामिक की होती है आजकल, है ना। हम तो मतलब घर में, आप अगर आपको अपने घर में आप वो डिनर सेट देखोगे एक, तो वो भी सिरामिक का होता है ना। अगर आप घर में देखोगे, अपने मॉम से पूछोगे या डैड से पूछोगे, तो वो बताएंगे आपको कि सिरामिक का, बहुत सारी चीजें सिरामिक की होती है आजकल इस जनरेशन में तो खासकर। तो मोरबी, उसको मोरबी इज लाइक द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट, राइट। सो गाइज, दैट इज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। आपको अगर कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, आप पूछ सकते हो। इट्स गोना बी अ शॉर्ट, इट वाज गोना बी अ शॉर्ट सेशन, तो वी आर डन विद दिस। अगर आपको और कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, है ना। एंड इफ एनीबडी इज लुकिंग टू टेक सब्सक्रिप्शंस, यू कैन डू इट टुडे एंड टुमारो, बिकॉज आज और कल के लिए ये ऑफर है, 20 एंड 21 के लिए। मालपानी इज द कोड अगेन टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। 20% फ्लैट मिल जाएगा आपको, और 40% एज पर दी रेट जो बाद में हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। आई विल बी हियर फॉर 2 to 5 minutes, डिपेंडिंग ऑन कितने आपके डाउट्स हैं। कॉलोनियल एरा में 4 दिन में कोलैप्स हो गया था, ये पॉइंट नहीं समझ आया। कॉलोनियल एरा में नहीं हुआ था, अभी हुआ है। इसका अभी रेनोवेशन करवाया गया था। इट वॉज मेड इन द कॉलोनियल एरा, बना ये 1877 में है, लेकिन अभी तक पुराना हो गया था, है ना। तो पिछले 7 महीने से, 2022 में ही 7 मंथ से इसका रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो 7 मंथ के बाद वो रेनोवेशन का काम जब खत्म हुआ, तो उस ब्रिज को वापस खोला गया, तो 4 दिन के अंदर अंदर ही कोलैप्स हो गया, ठीक है। डू दे गेट द एक्चुअल रीजन? यही रीजन है ना, आपको बताया ना मैंने कि उसके कोरोडेड थे, 49 में से 22 वायर्स कोरोडेड थे ब्रिज के, उन्होंने ठीक ही नहीं किए। तो ऐसा, ये दिस इज सम बेसिक साइंस, ये हमें नहीं पता होगी, लेकिन उन्होंने जो सरफेस बना रखा था ना इसका, वो एल्यूमिनियम का सरफेस बना रखा था, हार्ड सरफेस। अगर वो वुडन का सरफेस बनाते ना इसको, तो कम लोग मरते, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इफ द सरफेस वॉज वुडन इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, देन लेस पीपल वुड हैव डाइड इन दिस, ठीक है। स्टैटिक जीके की मैं आज ही 8 PM से क्लास शुरू कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच टुडे इटसेल्फ एट 8 PM, तो आप उसमें आ सकते हो, ठीक है। वो हेल्पफुल रहेगी क्लासेस आपके लिए, अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। आई विल सी यू गाइज अगेन एट 8 o'clock। बाय।